नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, सुखी होंगे, समृद्ध होंगे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करते हैं हम आज की अपनी वीडियो की। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आपको पता चले कि आपके घर में किसी देवी देवता का आगमन हुआ था या हुआ है। कितनी बार हम पूजा पाठ करते रहते हैं, लेकिन हमारा मन ये वो हमेशा संशय में रहता है कि पता नहीं भगवान मुझसे खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये माता जी की मैं इतनी पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन माता जी प्रसन्न है या नहीं है। तो दोस्तों, इसको जानने के लिए बहुत ही साधारण से उपाय हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही करें। तो दोस्तों, बहुत ही साधारण से उपाय हैं जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। जैसे अगर आप नवरात्रि में पूजा कर रहे हैं माता जी की, नवरात्रि नहीं भी हो और अगर आप एवरीडे कोई भी अगर माता जी की पूजा कर रहे हैं, तो देखना दोस्तों, पूजा के समय अगर कोई छोटी सी बच्ची, एक साल से 7-8 साल तक के बीच की लड़की, मतलब बिल्कुल छोटी जिसे हम बालिका कहते हैं, अगर आपके घर में अचानक आती है कहीं से हंसती हुई खेलती हुई, और अगर वो आकर आपके पूजा स्थान में बैठ जाती है, समझिए साक्षात माता जी आपके घर में आई हैं। दोस्तों, अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आप किसी मंदिर में जाते हैं और अचानक कोई इतनी छोटी सी लड़की आकर के आपकी उंगली थाम लेती है, तो समझ लीजिए माता जी ने साक्षात आपको दर्शन दे दिए और जिस काम के लिए आप पूजा कर रहे थे अब वह काम सफल हो जाएगा। अगर आप किसी देव की पूजा कर रहे हैं दोस्तों, तो ऐसा ही होता है, कोई छोटा सा बालक अचानक आकर के आपकी उंगली थामेगा किसी भी मंदिर में या कहीं पर भी चौराहे में जिसे आप पहचानते भी ना हो, आप पहचान जाइए कि ये वही देव की शक्ति है जो आकर के अब आपकी उंगली थाम रही है। आपकी पूजा के दरमियान दोस्तों, अगर कोई भी, जिस समय आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, आप जब बाहर निकलते हैं, कोई भी छोटी सी बच्ची या छोटा सा बालक हो, वो अगर आकर के आपसे कुछ मांगता है तो उसे अवश्य ही दें। ये वही शक्तियाँ होती हैं जो आपके पास आकर के आपकी परीक्षाएँ ले रही होती हैं। आप विश्वास रखिए, बिल्कुल जो छोटे छोटे बालक हैं, ये इनके रूप में आपको दर्शन दे करके चले जाते हैं और आपको पता ही नहीं चल पाता है कि ये शक्तियाँ आपके पास आई थी, आपसे मिल करके चली गई और आपको पता ही नहीं चला। दोस्तों, जब आप पूजा में बैठे होते हैं, आप देखना आपकी आरती से पूजा का जो दिया है उसकी लौ से धुआं निकल रहा होता है। वो अगर धुआं दोस्तों अगर वाइट कलर का है, सफ़ेद है, तो समझिए ये पूजा आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी साबित हो रही है। और अगर उसकी जो लौ है वो बार बार आपकी तरफ आ रही है, तो समझिए कि भगवान ही है जो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। जब दोस्तों आप पूजा में ना भी बैठे हों और अगर आपके घर में जैसे कोई अगरबत्ती नहीं जल रही है खुशबूदार, लेकिन अचानक अगर आपके पास कोई खुशबू आती है, तो समझ जाइए ये खुशबू कोई देवी देवता की ही हाजिरी का आपको प्रमाण दे रही है। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई भूत प्रेत आपके पास आता है तो बदबू आती है, अगर बिना कारण कोई बदबू आ रही है तो कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है। ऐसे ही अगर कोई अच्छी खुशबू अगर आती है आपके पास, तो समझिए कोई पॉजिटिव चीज़ है जो आपके आसपास आ गई है। जब आप पूजा कर रहे हैं दोस्तों, आप आँख बंद करके बैठे हैं और आप कोई प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, उस समय अचानक कोई पुष्प अगर गिरता है भगवान की मूर्ति से या तस्वीर से, आप उसे तुरंत उठा करके अपने पर्स में रख लें और आप देखेंगे ये चीज़ आपका भाग्य बल कैसे बढ़ा देती है। दोस्तों, जब आप पूजा में बैठे हो, अगर उसी समय अचानक आपके घर में मेहमान आ जाते हैं, तो अवश्य आप उनकी खातिरदानी बहुत अच्छे से करिए। ये एक भगवान का ही रूप होता है और इससे भी आपका भाग्य बल बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाता है। कोई मूक जानवर जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, जब आप पूजा कर रहे हैं दोस्तों, अगर वो कहीं से आवाज़ लगाता है, वो खाना मांगता है, तो दोस्तों पूजा पूरी होने के बाद आप उसे अवश्य ही दूध पिलाइए। आप देखेंगे छोटी छोटी सी चीज़ें बता देती हैं कि आपके पास खुद भगवान चल करके आए थे, बस आप उन्हें पहचानने में कहीं मिस्टेक कर गए। अगर आप उन्हें
पहचान जाएंगे तो दोस्तों आपके भाग्य को आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों जानते रहें इन चीज़ों को, करते रहें और खुश रहें। जय श्री कृष्ण।